स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर जाने वाले पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लाट की नाप शुरू कर दी गई है। शिकायत के बाद आज राजस्व विभाग की टीम ने दल बल के साथ बिल्डिंग और प्लाट की नाप की। राजस्व की टीम पहुंचने पर सपा प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। दरअसल भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लाट की नाप के लिए आज राजस्व विभाग दलबल के साथ पहुंची और लगभग 4 घंटे तक राजस्व की टीम ने बारीकी से सपा प्रत्याशी की बिल्डिंग और प्लाट की नाप की। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। राजस्व विभाग का कहना है कि नाप के बाद अगर सरकारी जमीन पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा का कहना है कि बिल्डिंग उनकी पुत्रवधू के नाम है और नियम कानूनों के अनुसार बनी है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते उनकी जमीन और बिल्डिंग की नाप करवाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनकी बिल्डिंग और प्लाट के मामले में निष्पक्षता से जांच कराई जाए और उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। सपा प्रत्याशी पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए हैं। शिकायत देखिए अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी जमीन पर जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसी लिहाज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह हैं उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए, तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और 2 जगहों की हम लोग आज जांच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है और दूसरा ये जो प्रॉपर निगोई है। अच्छा, ये देखने को मिला कि विधायक की खासतौर पर शिकायत विधायक के लिए थी, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारा कार्य केवल ये है कि हमारे पास जो भी शिकायतकर्ता हमारे पास आएगा हमें उसका समाधान करना है। हमें ये इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं कि वो शिकायत किसकी है। अभी हम लोगों ने इसकी नाप कर ली है, अब उसके बाद हम लोग इसका नक्शे से मिलान करेंगे और उसके बाद जो भी हम निकलेगा उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये जो दुकानें बनी हैं थाने के बगल में, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मेरा बेटा विनोद वर्मा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने ज़मीन खरीदी थी। ये हमारी बेवा बहू रुचि वर्मा, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार वर्मा, एक पुत्र है ऋषभ वर्मा, पुत्री है रिया वर्मा, ये ज़मीन उसकी है। और इस ज़मीन 2010 में ख़रीदी गई थी। अगर ये नाप हुई है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, विधिवत नाप हो इसकी। जो जिस खेत में खरीदी गाटा संख्या 335 में, उस खेत की भी पैमाइश हो जानी चाहिए। जहाँ पर मिलजुला नंबर हैं तो मिलमुरा जो काश्तकार हैं उनकी भी नाप होनी चाहिए। और देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। जो हमारे लोकल यहाँ के राजनीतिक विरोधी हैं वो ये सब करवा रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, विनती है कि इसकी नाप विधिवत कराई जाए, जो नियमानुसार कराई जाए। अगर नियम कानून के तहत हमारी पुत्रवधू के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नियमानुसार, तो मुझे कोई इतराज नहीं। तो आप आज भी आप मुख्यमंत्री विश्वास रखते हैं न्याय करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर ऐसा कोई काम मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं है। जो यहाँ लोकल लोग हैं वो ये सब कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा काम गलत नहीं होने देंगे।